SCVM solution, chapter 14, some mechanical property of matter, question number 21. A barometer is constructed with its tube having radius 1 mm. Assume that the surface of the mercury in the tube is spherical in shape. If the atmospheric pressure is equal to 76 cm of mercury, what will be the height rise in the barometer tube? The contact angle of mercury in the barometer tube is 135 and the surface tension of the mercury is 0.065 and density is given 13600. ओके तो देखो अगर मर्क्यूरी ट्यूब को अपन बिना सरफेस टेंशन के मतलब मर्क्यूरी को बिना सरफेस टेंशन वाला यूज़ करें यानी सरफेस टेंशन को कंसीडर ना करें तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कितना हाइट राइज होता है 76 सेंटीमीटर यानी अगर 76 सेंटीमीटर होता है तो हम बोलते हैं कि 180 एम है राइट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर राइज कितना है 76 सेंटीमीटर अब बोला कि अगर इसके सरफेस टेंशन को अपन कंसीडर करते हैं सरफेस टेंशन को कंसीडर करते हैं तो इसके हाइट में क्या चेंज आएगा देखो सरफेस टेंशन कंसीडर करते हैं तो एंगल अपना क्या है ऑब्ट्यूस एंगल है ठीक है तो इसका मतलब हाइट डिक्रीज होगा यानी 76 तो नहीं होगा 76 है कुछ कम होगा राइट तो अपन एक काम करते हैं सरफेस टेंशन की वजह से कितना हाइट चेंज होता है वो फाइंड कर लेते हैं तो हाइट चेंज ड्यू टू सरफेस टेंशन है कैपिलरी राइज वाला फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे कैपिलरी राइज वाला फॉर्मूला क्या है 2t cos थीटा / रो rg r क्या अपना रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब ओके तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो 2t कितना अपना सरफेस टेंशन 0.065 और cos 135 cos 135 को क्या लिखेंगे cos 90 plus 45 ओके अपॉन डेंसिटी 13600 आर कितना है 1 mm यानी 1 × 10⁻³ एंड ये है 9.8 या फिर 10 लिख दो अप्रोक्स करके 10 लिख दो आप ओके तो ये आ जाएगा देखो cos 90 plus 45 क्या होगा माइनस साइन 45 तो ये आएगा माइनस साइन 45 2 × 0.465 sin 45 कितना होता है 1/√2 तो माइनस 1/√2 × 13600 10⁻³⁻³ इसको सोल्व करेंगे तो आएगा अपने पास आंसर कुछ 0.0048 meter ठीक है या फिर अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा माइनस में आंसर है सेंटीमीटर में आएगा 0.48 centimeter ये आपका क्या होगा हाइट रिड्यूस होगा कैपिलरी राइज नहीं होगा केवल डिक्रीज होगा ठीक है क्यों डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एंगल क्या है 90 से ज़्यादा है ओके तो पहले अपने पास 180 mm को क्या मेजर कर रहा था 76 सेंटीमीटर अब 180 mm को क्या मेजर करेगा अगर अपन सरफेस टेंशन कंसिडर करें तो अब 180 mm को क्या मेजर करेगा 76 माइनस 0.48 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा कुछ 75.52 सेंटीमीटर ये होगा 180 mm का हाइट